पेट्रोल डीजल घरेलू गैस के बढ़ रहे दाम बढ़ावे का विरोध करते हुए सामाजिक कार्यकर अतुल गामे जी द्वारा बाबा रामदेव का वेश धारण करने के साथ महंगाई घटाने की गर्जना करते हुए आज साइकिल यात्रा निकालते हुए अनोखा आकर्षण का केंद्र बने थे। पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं कोरोना वायरस की महामारी के बाद आर्थिक परिस्थिति और भी आम जनता की बिगड़ते हुए ये महंगाई नामक राक्षस अब आम आदमी को काफी निगल रहा है। जहां ये बढ़ रही महंगाई का विरोध करते हुए आज सामाजिक कार्यकर अतुल गामे जी द्वारा अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। अतुल गामे जी द्वारा बाबा रामदेव की वेशभूषा आधारित तेल का डिब्बा, गैस की सिलेंडर तथा पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दाम बढ़ोतरी का विरोध करते हुए साइकिल यात्रा निकाली थी और बढ़ रहे ये दाम बढ़ावा और महंगाई को कम करने की मांग करते हुए साइकिल यात्रा के साथ लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश की गई थी। जहाँ जागरूक नागरिक वैसे सामाजिक कार्यकर्ता ने जीवन जरूरी चीज वस्तुओं के दाम पर अंकुश लाने की नियंत्रित करने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित आवेदन पत्र दिया गया था। विश्व भर में क्रूड ऑयल का दाम काफी कम हो रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार की तिजोरी में आमदनी पैदा करने के लिए लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में काफी बढ़ावा किया जा रहा है, जिसी के साथ इसकी सीधी असर ट्रांसपोर्ट सहित अन्य जीवन जरूरी चीज वस्तुएं महंगी बन रही है। जो महंगाई का विरोध करते हुए आज सामाजिक कार्यकर अतुल गामे जी द्वारा तेल का डिब्बा, गैस का सिलेंडर तथा पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ोतरी कम करने की मांग करते हुए बाबा की वेशभूषा के आधार पर साइकिल यात्रा निकाली थी, तो वहीं बाबा की साइकिल यात्रा के साथ निकली ये वेशभूषा भी स्थानिक लोगों के लिए कुतूहल और आकर्षण का केंद्र बनी थी। वडोदरा शहर गुजरात भारत में मोगवा जनता परेशान एक स्लोगन आपीने आज अमे निकळ्या छे। साइकिल लईने निकळ्या छे, साइकिल पर गैस नो बॉटल छे, तेल ना डब्बा छे, स्लोगन लगावेलू पोस्टर छे। साथे बाबा रामदेव कह्युं हतुं के 800 नो गैस नो बॉटल जोईए के 400 नो, 80 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल जोईए छे के 40 रुपया। आ तमाम बाबतो फोक थई गई छे ने अत्यारे पेट्रोल डीजल 100 ने पार થવાયું છે। સાથે સાથે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધવાથી જરૂરિયાતમંદ જે ચીજ વસ્તુઓ હોય છે એ ચીજ વસ્તુઓ મોંઘી થતી ગઈ છે। કહી શકાય કે ઘરમાં ગૃહ કલેશ પણ વધી ગયા છે। આજે વડોદરા શહેરના કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપીને આ જ આવેદનપત્ર મુખ્યમંત્રી અને પ્રધાનમંત્રી સુધી પહોંચાડે તેવી માંગ કરનાર છે, અને ભારતની તમામ જનતા માટે જે પેટ્રોલ ડીઝલ પર સેસ લેવા છે, વેટ લેવા છે, એ પણ ઓછો કરે તેવી માંગણી અમે કરેલ છીએ।